हेलो एवरीवन, माय सेल्फ एसके अज़र प्रॉपर्टी चैनल पे फिर से स्वागत करते हैं दोस्तों। आज हम सहस्त्रधारा मेन रोड देख रहे हैं, तो मेन रोड से वॉकिंग डिस्टेंस ये 30 फीट के रोड है। और आरसीसी का आप देख रहे हैं, इसमें टाइल्स लगा हुआ है, बहुत अच्छा सोसाइटी है जिसमें एक हम 2 BHK और 3 BHK बिल्डर फ्लोर लाए हुए हैं एज ए फ्लैट पर्पज। बहुत अच्छा लोकेशन है, लोकेशन प्रेफर करता है सबसे बड़ी बात है। 700 गज में बना हुआ है, टोटली मेन वॉकिंग डिस्टेंस है मेन हाईवे से सहस्त्रधारा रोड, ठीक है। और स्पेस भी बहुत अच्छा है, मुझे दिख के जो लग रहा है उसको फुल पार्किंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर तक इसका अपार्टमेंट है जिसमें आपका नॉर्थ ईस्ट फेसिंग पे आता है टावर। अभी फिलहाल वर्किंग कंडीशंस पे हैं, तो चलिए हम अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको फ्लैट के बारे में। ये आपका वर्किंग चल रहे हैं यहाँ पर, जो भी किचन वगैरह का जो भी है किचन के लिए ही वो यूज़ होता है बोर्ड। और ये आपका मार्बल ग्रेनाइट का भी, ये सारे किचन के लिए रखा हुआ है साइड। तो एज ए टू बी एच के एंड 3 BHK अवेलेबल फॉर सेल। चलिए हम ऊपर चलते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ग्रेनाइट लगा हुआ है हाफ राउंडिंग, ठीक है। और 4 फीट ये आपका स्टेयर है, 3.5 से 4। ये आपका लॉबी भी बहुत स्पेसियस लॉबी है, हालांकि इतना लॉबी मिलना भी बहुत बड़ी बात है, चौड़ी लॉबी है यहाँ पर। ये लगभग हो जाएगा 8 फीट का लॉबी चौड़ा है। लिफ्ट वगैरह सब लगेगा यहाँ पर। ये आपका स्टेयर गेस्ट आ गया, लिफ्ट अवेलेबल होगा। ये हम चलते हैं पहले फ्लैट के अंदर विजिट के लिए। ये आपका एंट्री एरिया हो गया, ठीक है। तो एंट्री हम चलते हैं, 2x4 का टाइल्स लगा हुआ प्रॉपरली, अच्छा ये स्पेसियस है। और डाइनिंग प्लस ड्राइंग एरिया स्पेस इसको कह सकते हैं हम एक तरीके से, कॉमन वॉशरूम के साथ। और आपका वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर वेंटिलेशन एरिया, सारे लकड़ी का वर्किंग है। ये आपका एंट्री का काम है जो आप देख पा रहे हैं, लेडीज़ के लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर खिड़की भी है सामने यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए। ऊपर आपका चिमनी वगैरह लगाने के लिए भी स्पेस छुड़ा हुआ है। गीजर के लिए ऑप्शन है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका लगेगा सिंक। ये वाइट मार्बल है, देखिए बहुत महंगा आता है, डबल पट्टी मोल्डिंग के साथ। ये आपका इंटीरियर का काम है सारे यहाँ पर, बहुत ही बेस्ट काम किया हुआ है जो कि देख रहे हैं आप। ओके, सो ये किचन है, और किचन भी लाइट कलर का, बहुत ही स्पेसियस किचन है नीचे, मॉडल किचन के साथ एल सेप में। ओके, ये आपका डाइनिंग प्लस ड्राइंग एरिया हो गया जिसमें आपका सारे लाइटिंग का काम हुआ है, पीओपी वगैरह का काम बहुत अच्छी तरीके से हो रखा है, इसमें वर्किंग पे है। और ये आपका कॉमन वाइट एच वॉशरूम, क्योंकि ये ब्लैक सेट में टाइल्स लगा हुआ है यहाँ पे 2x4 का, और ये लाइट कलर का। ओके, दिस इज द वन बेडरूम हियर, ये बेडरूम आपका आता है फर्स्ट बेडरूम। इस पर भी खिड़की है आपका, एसी का कनेक्शन के लिए भी वहाँ पर दिया हुआ वो होल दे रखा है यहाँ कनेक्शन में। ये आपका पीओपी का काम है, और ये अलमारी वगैरह, सेल्फ स्लाइडिंग अलमारी प्लस ऊपर का बोर्ड एरिया है, स्लाइडिंग अलमारी, ठीक है। एंड हम जा रहे हैं सेकंड बेडरूम, दिस इज द सेकंड बेडरूम। इसमें भी यहाँ पर अलमारी अलमीरा लगा हुआ है, और यह वॉशरूम। वेंटिलेशन अच्छा है, खिड़की वगैरह है, लाइटिंग का इशू है नहीं यहाँ पर दिख रहा है, लाइटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये बालकनी आपका नॉर्थ ईस्ट फेसिंग बालकनी आ गई है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग बालकनी है आपका। एंड ये आपका आ गया थर्ड बेडरूम। तो हमने देखा इसमें भी अटैच वॉशरूम है, एक कॉमन वॉशरूम अटैच वॉशरूम, ठीक है।
और ये आपका बेडरूम एक आ गया, थ्री बेडरूम। थ्री बेडरूम टू वॉशरूम, ओके। इसके एरिया के वगैरह एरिया डिटेल्स समथिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहस्त्रधारा मेन वॉकिंग डिस्टेंस पे अगर अपार्टमेंट में फ्लैट सर्च कर रहे हैं तो दैस आप कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके। थैंक यू, धन्यवाद।